शीट नंबर 59, शीट नंबर 59। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर 59 का प्रिंट आउट लें प्लीज। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, इसको होमवर्क ले सकते हो। मैं आपको मेथड बता देता हूं और मतलब सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है, कोई देखना चाहे तो प्लीज को देख सकता है। आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है, मान लो, ध्यान आगे प्लीज, एक सिलेंडर है और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मटेरियल है जिसमें करंट जा रहा है, एक सिलेंडर है और वो हॉलो है। तो एक सिलेंडर के सिर्फ इतने पोर्शन में करंट एंटर करता जा रहा है, इस पोर्शन में, इमेजिन कर पा रहे हो, साइड में सिर्फ यहां से, और आपने इस सिलेंडर को हाफ कर दिया, तो देखो फिगर क्या बने। ये हाफ किया और ये हॉलो था, और देखो करंट इसमें बाहर आ रहा है इस साइड से, सिर्फ ये करंट है डॉट 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 डॉट। आपको यहां पे बी निकालना है, ठीक, ये आपको आराम से घर जाके सोचना है कैसे करना है। एंड में हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे, कौन मेंस और नीट में इतने बड़े ये एलिमेंट्स और ये कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तो एंड में इसका फॉर्मूला याद करेंगे, और फॉर्मूला कैसे आया ये नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करना है हमने, पर मैं चाहता हूं आप घर जाके एक बार इसे देखें, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी करना है कि सपोज करो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सपोज आपके पास एक वायर है इनफाइनाइट से आ रही है, और ये वायर यहां जा रही है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन था, और इसके अंदर सपोज टोटल एंगल थीटा है, तो ये कितना है, थीटा बाय 2। आपको क्या करना है, आपको यहां से r डिस्टेंस दूर, ये डिस्टेंस r है, b निकालना है यहां पे। तो एक काम करते हैं, एक एक करके वायर लेते हैं स्ट्रेट, अभी सिर्फ एक वायर लेते हैं जो नीचे वाली वायर है, दैट्स इट, बस इतना सा काम है। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, ए, अगर ये थीटा बाय 2 ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा बाय 2, कोई डाउट इसमें, तो ये एंगल आ गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब यहां पे एक वायर का एंड का एक एंगल आ गया फाइव वन, दूसरा एंगल तो पक्की बात है फाइव टू होगा, दैट इज पाई बाय 2 बिकॉज इनफाइनाइट एंड है। तो बी का फॉर्मूला एक स्ट्रेट वायर का क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए, आई बाय ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, फाइव वन की जगह 90 माइनस थीटा बाय 2 और फाइव टू की जगह 90, क्लियर है यहां तक। तो सेम ज्योमेट्री ऊपर बनेगी, तो उसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम। डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके अंदर करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से जा रहा है, और ये पॉइंट ओ है, तो इसके अंदर राइट हैंड थंब करंट के साथ फिंगर्स ओ पे इनसाइड, तो इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से करंट यहां जा रहा है, ये ना, इसकी वजह से भी इनसाइड, तो दोनों इनसाइड इनसाइड है, दोनों क्या हो जाएंगे, एड, एड का मतलब ट्वाइस हो गया। तो कॉस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ए हमें गिवन नहीं था, इस ट्राइंगल में साइन थीटा बाई 2 इज ए डिवाइडेड बाई आर, ये ना, तो ए की वैल्यू आ गई, इस ए को नीचे पुट कर दिया, ये ऑप्शन मार्क करना है, ये ऑब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन है, तो जो भी शीट नंबर मुझे पता नहीं है पर ये आएगा शीट के अंदर। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इसे सॉल्व करना है ज्योमेट्री वाइज। डायरेक्शन में इसमें करंट इधर है इनसाइड, इसमें करंट इधर है थंब इधर, तो इनसाइड। अपनी कॉपी पे देखो, वायर बाहर निकाल लो, करंट इधर है इनसाइड, करंट इधर जा रहा है, पॉइंट नीचे है इनसाइड, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, सब्जेक्टिव शीट 21 शायद प्रिंट आउट में मिला था आपको इसका, क्या मिल गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये पहला क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने जाते हुए सॉल्व किया था, एक ही क्वेश्चन किया था, और यहाँ पर लेक्चर हमने बंद किया था कि अगर वो एन स्क्वायर हो जाता है, मैंने बोला था ना वो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम उसी लेंथ के ज्यादा घुमा दें तो रिजल्ट एन स्क्वायर हो जाता है, ये याद है कुछ किया था ऐसे, नहीं।
अच्छा इस बैच में नहीं किया। अच्छा चलो पहले एक क्वेश्चन में फर्क पड़ गया हो, वैसे ही देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किया है। चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि इसको इसका प्रिंट नेक्स्ट टाइम दूंगा मैं आपको, कि सपोज करो एक लॉन्ग वायर है, कैरीज अ स्टेडी करंट, आई करंट है, इट इज बेंट इन टू अ सर्कल ऑफ वन टर्न। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वायर ली और इसका एक एक टर्न दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आया, बी। तो लेंथ एल है। अगर मैंने उसी वायर के एक टर्न की बजाय एन टर्न्स बना दिए होते, एन टर्न्स, अब एन टर्न में रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा। तो क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पे बी क्या निकलेगा। ठीक, तो जब एल लेंथ की वायर है तो एल इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें, टू पाई आर। तो जब एक टर्न हमने किया था, तो कई लोग इसमें गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं क्योंकि एन टर्न्स किए तो रिजल्ट बी का एन टाइम्स कर दो। हाँ ठीक है, मैंने कराया था कि अगर आपके एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, एन टर्न्स है तो एन टू एन, पर मैंने ये कहा था कि रेडियस भी सेम रखना है, पर इसमें रेडियस क्या हो गया, चेंज, इसलिए रिजल्ट एन टाइम नहीं आएगा। अदरवाइज अगर रेडियस सेम रखते तो रिजल्ट एन टाइम्स ही आता। तो इसके अंदर एक टर्न है तो एल इज इक्वल टू टू पाई आर, आर की वैल्यू आ गई, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई फोर पाई, टू पाई आई बाई आर, तो टू पाई आई बाई आर, आर की वैल्यू एल डिवाइडेड बाई टू पाई, तो बी की वैल्यू आ गई इसमें, कोई डाउट इसमें। तो ये वन टर्न का केस है। अगर मान लो एन टर्न्स हैं तो लेंथ एल ही रहेगी, टर्न्स एन हो गए, रेडियस चेंज हो गया, आर डैश आ गया। अब एन टर्न्स की वायर के सेंटर पे म्यू नॉट बाई फोर पाई, टू पाई आई बाई आर डैश इन टू एन, आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, एल डिवाइडेड बाई एन टाइम्स टू पाई, तो ये वैल्यू आ गई बी डैश। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर एन स्क्वायर। एक शॉर्टकट याद करेंगे, अगर आपके पास आर रेडियस की वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बी है और अगर आपने एन टर्न्स दे दिए और रेडियस रिमेनिंग द सेम, मतलब आपके पास इन बहुत सारी लंबी लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ की कमी नहीं है, तो उसमें आपने आर रेडियस की एन टर्न्स दे दिए तो रिजल्ट एन टाइम्स होगा। लेकिन अगर आपके पास लेंथ लिमिटेड है, उसी का वन टर्न, उसी के एन टर्न्स, तो रिजल्ट कितने टाइम्स होगा, एन स्क्वायर टाइम्स भी होगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इस असाइनमेंट को फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अगली बार जब आओगे, एम्पियर सर्किटल लॉ ध्यान से सुन लो, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट एंड प्रूफ से लेके यहाँ तक का शॉर्ट टेस्ट है, प्रिपेयर करके आना, पांचों एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए, तैयारी करके